लद्दाख पुलिस ने लद्दाख पुलिस की अपनी बनाई हुई अपनी फैब्रिकेट की हुई ट्रैफिक क्रेन्स का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है। उन क्रेन्स को हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। ये क्रेन हमारे एमटी फ्लीट का हिस्सा बनाने के पीछे दो मुख्य वजह है। एक, आप जानते हैं कि लद्दाख जो है वो हाई पासेस का रीजन है। यहाँ पे खरदुंगला चांगला जैसे पासेस हमारे यहाँ पे हैं और यहाँ पे कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं और गाड़ियाँ जो है वो नीचे गिर जाती है, खाई में गिर जाती है, तो उनको निकालने के लिए हमारे पास कोई पक्की सुविधा नहीं है। अब ये जो क्रेन हमने लाई है, ये क्रेन उस काम में हमें उपयुक्त साबित होगी। जब भी कोई किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा और गाड़ी अगर खाई में गिरी तो हमारी ट्रैफिक की क्रेन जो है वो उस गाड़ी को पुट कर सकेगी, उसको ऊपर ला सकेगी। और दूसरा उद्देश्य ये है कि जो रॉन्ग पार्किंग है, जो हमारे लेह शहर में हो या कारगिल शहर में हो, उस रॉन्ग पार्किंग के ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये जो छोटी वाली जो ट्रैफिक क्रेन है वो हमें मददगार साबित होगी। ये दोनों जिले के लिए है। आई मीन कुछ छोटी क्रेन जो है वो लेह में स्टेशन की जाएगी, कुछ क्रेन जो है कारगिल में स्टेशन की जाएगी। ऑलरेडी हमने बड़ी क्रेन जो है वो झोजिला में स्टेशन की है, उसी तरह से बड़ी क्रेन जो है वो खरदुंगला पे स्टेशन की जाएगी, चांगला पे स्टेशन की जाएगी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इनको स्टेशन किया जाएगा। नहीं, लद्दाख पुलिस अपने तरीके से काफ़ी कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ पर ट्रैफिक का रेगुलेशन जो है वो अच्छा रहे। और मुझे पूरा मतलब कॉन्फिडेंस है कि पिछले विगत दो साल में हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का जो रेगुलेशन रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। इस साल हमारे यहाँ पे लद्दाख में रिकॉर्ड नंबर में टूरिस्ट आए थे। इन स्पाइट ऑफ दैट लद्दाख ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी अच्छी ड्यूटी निभाते हुए ट्रैफिक का रेगुलेशन काफ़ी अच्छा किया है। आने वाले समय में भी हम ट्रैफिक पुलिस को और सशक्त करना चाहेंगे, नए एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे और आने वाले समय में लद्दाख में ट्रैफिक का चलन जो है, ट्रैफिक का रेगुलेशन जो है वो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है।